नमस्ते दोस्तों मैं आदित्य सिंह सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एवरीथिंग अबाउट टेबल्स एंड हम हमारा वेब पेज को कैसे डेकोरेट करते हैं हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने देखा था उसके ऊपर एक कोड लिखा था बहुत ही अच्छा सा एंड देन उसके बाद हमने टेबल के ऊपर भी एक कोड लिखा था राइट right? आज वाले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे एवरी एवरीथिंग अबाउट जनरेट करते हैं यूजिंग एच डी एम एल एच डी एम एल का कोड लिखेंगे एग्जैक्ट एंड हम करेंगे हमारे फॉर्म को कंप्लीट इस सेशन में ओके okay? सो so, ये फॉर्म एक्चुअली है क्या जब हम ऑनलाइन प्रोसेस में पढ़ रहे थे या फिर अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन में तो वॉट वी डू इज हम फॉर्म भरते क्यों भरते ताकि आपकी इंफॉर्मेश आपके इनपुट हम कलेक्ट कर सके आप जो कहना चाहते हो आप अपना नेम अपना जेंडर अपने subjects, अपने स्टैंडर्ड अपना फैमिली अपने फोन नंबर ये सारी चीजों को अगर आप मुझे सबमिट करना चाहते हो तो वट वी यूज वी यूज अ फॉर्म ओके अब ये फॉर्म हमें बनाना है तो हम कोई टैग यूज करेंगे ऑफकोर्स तो इधर हम कौन सा टैग यूज कर, करते हैं वी यूज फॉर्म ओपनिंग एंड फॉर्म क्लोजिंग वाला टैग अब फॉर्म्स के अंदर हम कुछ कंट्रोल्स पढ़ते हैं ये कंट्रोल्स एक्चुअली क्या होते हैं है आपको वाइट वाइट सा एक एरिया जहां पे आप अपना इनपुट अपने कैरेक्टर्स अपना नाम या फिर जो भी रिक्वायर्ड है वो डाल सकते ओके नेक्स्ट है रेडियो बटन रेडियो बटन यानी कि ऐसा बटन जिसको क्लिक करके आप सिर्फ एक ही आंसर दे सकते हो जैसे कि यहाँ पे एंट्रिय स्टैंडर्ड वाला सेक्शन है इधर देखो रेडियो बटन राउंड वाला जो भी दिखेगा दिस इज ऑल रेडियो बटन इसके अंदर आप सिर्फ एक ही इनपुट दे सकते हो इफ यू वांट सेलेक्ट सिलेक्टेड तो एक ही इनपुट दे सकते हो सेम द वे यू गिव एमसीक्यू आप एम में क्या करते हो एमसीक्यू इन द सेंस वन ऑप्शन

Opinion, multiple answers दे सकोगे। पे इन्होंने चेक बॉक्स किया है गेट आप कौन से, कौन से से ले रहे हो उसके लिए। आपको यहां पे होगा कि आप आप हिंदी भी कर आप भी कर कर बायोलॉजी आईटी सब भी चूज कर सकोगे कोई एक भी कर सकोगे या दो या तीन आप चाहे जितना सिलेक्ट कर सकोगे जो जो है ऑप्शन में सबमिट बटन ऐसा बटन होता है जिससे आप अपने आंसर्स को अपने जो आपने फिल किया है उसे सबमिट कर दो ऐसे ही बहुत सारे और भी बटन होते हैं जैसे कि क्लियर वाला बटन होता है आपके सिस्टम में राइट right? नेक्स्ट है फॉर्म फॉर्म टैग कैन हैव द फॉलोइंग अब भाई साहब के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट है कौन से कौन से वो भी देख लेते हैं सबसे पहला है नेम ऑफ कोर्स आप स्पेसि ना, नाम वाला क्यू यूज करते हैं नाम देने के लिए यार अपने फॉर्म को नाम दोगे आप सब बताओगे कि मेरे फॉर्म का ये नाम है एक्शन वॉट डज दिस एक्शन एट्रीब्यूट एक्चुअली डज ये आपके जो पाथ है ना जिधर आपका फॉर्म सबमिट होगा उसे ये स्पेसिफाई करता है ओके वेन यूजर क्लिक्स ऑन सबमिट बटन जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे एक एक्शन कमिटेड, आपका जो एक्शन वाला एट्रीब्यूट है यानी कि वो सबमिट हो जाएगा वो कमिट हो जाएगा यानी सेव हो जाएगा द एक्शन इज सेट टू द करंट पेज जो आपका एक्शन होगा वो करंट पेज पे सेट हो जाएगा नेक्स्ट है मेथड्स मेथड्स में क्या क्या आता है Get post. हमें मेथड्स के अंदर दो दो चीजें हैं या तो वो गेट हो सकती है या तो वो पोस्ट हो सकती है इसे यूज़ करके हम हमारे आंसर्स को सबमिट कर सकेंगे या फिर हमारे फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे ये मेथड क्या क्या है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सबसे पहले है गेट मेथड, द डिफॉल्ट मेथड ऑफ सबमिटिंग डेटा फॉर्म डेटा इस गेट यानी कि आप गेट यू नहीं भी लिखोगे समझो अपने फॉर्म में स्पेसिफाई नहीं करोगे कि मेथड इज इक्वल्स टू गेट तो भी वो प्रेडिक्ट करेगा कि आपने गेट वाला सिलेक्ट किया है मेथड क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है

जैसे आपके कोई बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो यहाँ पे सेफ हो के, सेफ होंगे क्या नहीं होंगे ऑफ कोर्स नहीं होंगे इट इज बेटर फॉर डेटा विच इज नॉट सेंसिटिव यानी कि जो डेटाज आपके पर्सनल नहीं है जो इतने ज्यादा क्रूशियल सेंसिटिव नहीं है उस चीज के लिए यू कैन यूज दिस बट जो सेंसिटिव है भाई जैसे कि पासवर्ड हो गया आपका उस समय आप ये नहीं यूज कर सकते नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन गेट मैथड डिपेंड्स अपॉन द ब्राउजर अब आपका browser define करेंगा, decide करेंगा कि आप कितने कैरेक्टर्स निकाल सकोगे नेक्स्ट है आप एक ये भी प्रोडिक्ड कर लो कि ये हम क्या पढ़ रहे दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे ओके पोस्ट मैथड क्या है ये मेथड हम यूज करके डेटा जो होता है ना हमारा जो हम सबमिट कर रहे होते वो हमारे एड्रेस बार में दिखाई नहीं देता है ओके okay? गेट में क्या हो रहा था हमारा इनपुट दिखाई दे रहा था लेकिन पोस्ट में वो दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि ये सेफर साइड पे चला गया आपके पर्सनल जो आप भर रहे हो वो पे होगा आपको विजिबल नहीं होगा एड्रेस बार में इसके अलावा देर आर समेर इज नो लिमिटेशन आपको गेट के अंदर लिमिटेशन दे रहा था ना ब्राउजर की आपको भाई साहब इतने ही कैरेक्टर यूज करने लेकिन पोस्ट ऐसा नहीं है अगर

पेज में रेडियो बटन डालना है सबमिट डालना है बटन डालने हैं, चेकबॉक्स डालना है, है राइट तो ये कैसे हम डालेंगे ये हम डालेंगे इनपुट टैग के अंदर अब इनपुट टैग में कैसे डालेंगे तो यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट माइंड करना वर्ड्स को इनपुट इज अ टैग एंड टाइप इज एन एट्रीब्यूट विद इन इनपुट टैग ओके अब हम देखेंगे कुछ कुछ एट्रीब्यूट इनपुट टैग के बारे में सबसे पहले हमने अभी जस्ट देखा टाइप के बारे में ये टाइप एक्चुअली है क्या इट डिस्क्राइब द नेम ऑफ द कंट्रोल आप कौन सा कंट्रोल यूज करना चाहते हो आप चेकबॉक्स यूज करना चाहते हो तो आप चेकबॉक्स लिखोगे रेडियो बटन यूज करना चाहते हो तो आप रेडियो लिखोगे टेक्सट बॉक्स यूज करना चाहोगे तो आप टेक्स्ट लिखोगे ओके नेक्स्ट है नेम नेम इनपुट फिल्म मस्ट बी अम सॉरी ईच इनपुट फिल्म मस्ट है नेम आपका जो इनपुट फिल्म है ना इनपुट टैक्स जब 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 आप यूज करोगे तब तक उसे हमें एक नाम देना पड़ेगा क्यों देना है कब देना है हम देखेंगे कोड के साथ नेम एट्रीब्यूट इज यूजर डिफाइंड कर सकेंगे आप और मैं हमारे को नाम, हम जो यूज नेम एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड द डेटा ऑफ दैट इनपुट फिल्म बी गेट सबमिटेड यानी कि अगर आपने नेम नहीं दिया गलती से आप भूल गए कि मैम मैंने नेम नहीं दिया या मैम मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने नाम नहीं दिया तो आपकी भी आंसर्स या फिर आपके जो इनपुट थे वो सबमिट नहीं होंगे ओके मैक्स मैक्स लेंथ लेंथ ऑफ कोर्स ही बता रहा है कि आप वो मैक्स उसको लिमिट कर रहे हो कि आप कहाँ तक मैक्सिमम एंटर कर सकोगे कैरेक्टर को ये कहाँ हम यूज कर सकते हैं दिस एट्रीब्यूट इज यूज विद टेक्स्ट एंड पासवर्ड टाइप पासवर्ड टाइप जो है हम क्यों लगाते हैं पासवर्ड डालने के लिए इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट कैन बी एंटर्ड इन टेक्स और पासवर्ड बॉक्स अब आपने जब फॉर्म भरे हो कोई कोई तो वहां पे, तो पे होता है ना आपको एक सिंबल यूज करना होगा आपको यूज़ करने होंगे आपको अल्फाबेट्स यूज करने होंगे upper case, case होगा. इसके साथ साथ एक और चीज होती है कौन सी वाली तो मैक्स लेंथ वाली अब आप 200 कैरेक्टर्स का तो नहीं बना सकते यार हमारा जो पासवर्ड होता है वो दस मैक्सिमम दस तक होता है इससे ज्यादा तो कोई आई डोंक रखता होगा ओके okay? साइज

पहले से चेक प्री डिफाइन प्री चेक्ट है वो पहले से चेक है आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो पहले से वहां पर चेक हो गया समझ लो यहाँ पे देखो ये वाले जो इनपुट्स है समझ लो ये जो चारों है इन आ, आपके बटन है चेकबॉक्स या रेडियो कोई भी आप में डाल सकते हो ये पहले से आप जब फॉर्म ओपन करते हो तो समझ लो हिंदी जो है वो पहले से ही टिकट आती है यानी कि आप ऑफ कोर्स हिंदी सब्जेक्ट वाले तो रहोगे ही उस सिचुएशन में क्या होता है आपको वहां पर ऑलरेडी एक चेक आता है मतलब वो पहले से होता है आप नहीं आपको चाहिए तो आप उसे निकाल भी सकते हो अनचेक भी कर सकते हो बट वो पहले से चेक होके हो आता है वैसे ही रेडियो बटन ने कभी कभी शायद वो फील्ड भी हो मतलब वो कंपल्सरीली चेक्ड भी हो सकता है वैल्यूज क्या होती है द वैल्यू एट्रीब्यूट कैन बी यूज विद चेक सॉरी चेक बॉक्स रेडियो सबमिट और रिसेट डिफॉल्ट वैल्यू इन दॉक्स आपके जो टेक्स बॉक्स है उसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू लिख के ऑलरेडी लिख के आता है फॉर चेक बॉक्स एंड रेडियो इट डिफाइंड वैल्यू विच इज सेंड ऑन सबमिट आप जब सबमिट करते हो तो उस समय उसमें कौन सी वैल्यू जानी चाहिए वो वो डिफाइन करता है नेक्स्ट है सिंटैक्स अब हमने इनपुट देख लिया भी देख लेते हैं कौन सा कौन सा सबसे पहले क्या है हम लिखते हैं इनपुट एंड इनपुट के अंदर जो हम लिखेंगे उसके एट्रीब्यूट उसकी प्रॉपर्टीज जो की सबसे पहले हम टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट यानी कि आप वन लाइन टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हो टेक्स्ट बॉक्स आप कब यूज करोगे तो फिर आप जब नाम ले रहे हो तो नाम आपका दो लाइन का तो होगा नहीं आप एक ही लाइन का होगा तो आप उस समय क्या करोगे विल यूज टेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट है रेडियो जब आपको सिंगल ऑप्शन सिलेक्टेड चाहिए नेक्स्ट है चेक बॉक्स जब आपको मल्टीपल ऑप्शन चेक चाहिए सबमिट टू सबमिट योर डेटा टू द सर्वर फिर उसके बाद पासवर्ड क्यू ताकि आप पासवर्ड डाल सको अपने पासवर्ड उधर हम बहुत सारी चीजें जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके बाद है रीसेट आप अपने पूरे फॉर्म को क्लियर कर सकोगे बटन इट इज यूज डिस्प्ले द पुश बटन विद ऑन इवेंट्स इवेंट्स होते हैं तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं नेक्स्ट अब भाई मैम आप बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो सिंगल लाइन बट ये मल्टीपल लाइन का जैसे कि एड्रेस हो गया आपके एड्रेस तो सिंगल लाइन के नहीं होते ना लैंडमार्क होता है एड्रेस होता है लोकेशन होता है टाउन होता है तालुका होता है डिस्ट्रिक्ट होता है स्टेट होता है सब कुछ होता है

using rows and columns rows and columns yaad hai हमने कहीं तो भी और यूज किया था टेबल्स के अंदर राइट तो वैसे तो नहीं है जैसे कि ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है आई एम सॉरी ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके विड्थ कितनी है एंड इसकी हाइट कितनी है हाइट कैसे हम डिफाइन करेंगे सॉरी विड्थ कितनी है उसकी विड्थ कितनी होगी एंड नंबर ऑफ लाइंस हम कितने एंटर कर सकेंगे वो हम रो से कर लेंगे रो uh, uh, से करेंगे नंबर ऑफ जैसे कि आई पहले लाइन में आपका नाम uh, घर का नाम या फिर आपका बिल्डिंग नेम हो जाएगा लाइन में आपका मेन लैंडमार्क हो जाएगा एंड टाउन नेम हो जाएगा थर्ड लाइन में आपका समझो तालुका डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब आ जाएगा सो so, ये क्या हो गया नंबर ऑफ लाइंस हो गई नंबर ऑफ लाइंस को हम किससे करेंगे रो से करेंगे अब आपका विड्थ कितना होगा इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये हम कैसे डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से जितना आपका कॉलम समझ लो यहाँ पे मैंने चार कॉलम दिखा दिए सॉरी पांच कॉलम से इतना इसका विर्थ चाहिए तो आई विल okay, इस प्रकार फिर उसके बाद सिंटैक्स देख लेते हैं हम सिंटैक्स क्या है हमारे टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट uh, एरिया का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे टेक्स्ट एरिया टैग इसके अंदर भाई साहब ढेर सारे एट्रीब्यूट्स चलो एट्रीब्यूट्स को पहले पढ़ते हैं फिर सिंटैक्स देखेंगे एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले है नेम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा नेम आपके टेक्स्ट एरिया का नेम हम सबको नाम होता है उसे भी एक हमें नाम देना है

प्लेस होल्ड करके रहता है एड्रेस तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि बंदा हमें बोल रहा है कि स्पेसिफिक एरिया में आप क्या डालोगे अपना एड्रेस डालोगे अब सिंटैक्स की तरफ जाते हैं टेक्स्ट एरिया लिख दिया नेम हमने एक छोटा सा प्यारा सा नाम दे दिया रोज पांच है कॉल्स है प्लेस होल्डर जो है ये देख लो यहाँ पे प्लेस होल्डर यानी कि हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या लिख के आएगा योर एड्रेस लिख के आएगा अब यहाँ पे एक और चीज है रिक्वायर्ड देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड ये क्या करता है ये बताता है कि आपका ये वाला प्लेस भरा होना चाहिए इट इज एन मैंडेटरी फील्ड आपको फिल आउट करना ही पड़ेगा अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि भाई साहब ये है पेयर टैग ओपन किया क्लोज करना मैंडेटरी है कंपल्सरी है आपको क्लोज करना पड़ेगा आपके टैग को वहीं पे इसके बीच में कोई टेक्स्ट नहीं आता स्पेसिफिकली आपको ओपन करना है एंट्रीब्यूट डालने एंड क्लोज करना है इट इज नॉट फिर उसके बाद सॉरी नेक्स्ट है सिलेक्ट टैग टैग क्या करेगा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेगा अब ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको देखने यहां मिल जाएगा यहाँ पे देखो सॉरी so, यहाँ पे देखो यहाँ पेक्ट योर सिटी दिख रहा है ऑप्शन आपको सिलेक्ट योर सिटी के बाद एक एरो में टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है यानी एक एरो है जैसे ही आप ये एरो के ऊपर क्लिक करोगे ना एक लिस्ट ड्रॉप हो जाएगी फट से जिसके अंदर ढेर सारे समझ लो अरे जैसे उसके अंदर ढेर सारे आपको दिखाई देंगे कि आपको मुंबई चूज करना है पुणे चूज़ करना, करना है, या फिर, फिर चूज़ करना है या फिर नागपुर या फिर एंड आपको जो भी अपना आंसर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकोगे दिस इज वॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट ओके okay? uh, टैग है ये टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं क्या क्या है सबसे पहला नेम नेम देना पड़ेगा मल्टीपल इट अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन यहां पे देख रहे हो, यहाँ पे पुणे एक ही दिया है अगर समझो मैंने यहाँ पे मल्टीपल वाला ऑप्शन लिख दिया तो व्हाट द यूजर मे बी एबल टू डू आप क्या कर सकोगे मल्टीपल यानी पुणे के बाद आप मुंबई भी सिलेक्ट कर सकोगे नेक्स्ट है ऑप्शन ऑप्शन टैग जो है ये यूज करके हम हमारे सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन डाल सकेंगे जैसे कि यहाँ पे कौन से कौन से ऑप्शन आ सकते हैं पुणे के अंदर आई वॉन्ट की मुंबई आए तो वॉट आई विल जस्ट डू ऑप्शन ओपन करूंगी आई विल राइट मुंबई एंड ऑप्शन हम क्लोज कर देंगे फोर्ड में देखते हैं वो क्या है एक्चुअली ओके नेक्स्ट है ऑप्शन के अंदर के एट्रीब्यूट दैट इज सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्या करेगा आपको प्री सेलेक्ट करके देगा ऑप्शन को जैसे वहां पे पुणे पहले से दिखाई दे रहा था ना यानी कि वो प्री सेलेक्टेड था वैल्यूज इट असाइन्स वैल्यूज टू दिफाइड एक छोटा सा कोड दिया है आप सभी को पे कि आपने क्या किया सबसे पहले तो बता दिया आपको एच डी एम एल किया हेड किया टाइटल दे दिया कि फॉर्म एलिमेंट एंड टेक्सट एरिया को हम यूज कर रहे हैं फिर उसके बाद है हमने हेड uh, क्लोज कर दिया फिर हमने बॉडी को कलर दे दिया साइन कलर मतलब ब्लू कलर ओके okay? फिर हमने एक टेक्स्ट दे दिया टेक्स्ट का जो कलर होगा यहाँ पे देखो टेक्स्ट का क्या है पूरा कलर रेड कलर का है फिर हमने एच वन यूज कर लिया है इस प्रकार से एंड अब चलो से समझते अब एंटर योर नेम हम एज इट इज लिख रहे हैं अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आ रहा है राइट तो आप क्या यूज करोगे टेक्स्ट एरिया यूज करोगे जैसे कि यहाँ पे देखो इनपुट टाइप जो है वो सॉरी टेक्स्ट यूज टेक्स्ट बॉक्स यूज करोगे तो हम उसके लिए कौन सा यूज करते हैं टेक्स्ट यूज करते हैं आपको नेम देना कंपल्सरी है ओके फिर उसके बाद यहां पे देखो सेलेक्ट को इन्होंने कैसे लिखा है देख रहे हो सेलेक्ट का एग्जाम्पल सेलेक्ट को एक नाम देना कंपलसरी था नाम तो दे दिया उसके बाद हम ऑप्शंस दे रहे ऑप्शंस के अंदर पुणे नागपुर सोलापुर एंड ढेर सारे आप दे सकोगे जितना आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देना चाहते हो उसके बाद यहां पे इन्होंने टेक्स्ट एरिया भी क्रिएट किया है इन्होंने लास्ट में एक सबमिट बटन यानी कि सेंड बटन यहाँ पे क्लोज कर दिया अब वैल्यू देखो कहा हम यूज करते यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दिया था सेंड तो यहाँ पे सेंड इसकी हमारे सबमिट बटन की वैल्यू क्या हो जाएगी सेंड हो जाएगी ओके okay? अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज एक एग्जीक्यूट करके देखना है ना बोलो मैम एग्जीक्यूट करेंगे एक कोड को हम लोग सो so, यहाँ पे देखो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका बॉडी का कलर मैंने यहाँ पे पिंक दिया है पर्सनली आई लव पिंक सो मैंने यहाँ पे पिंक दे दिया है एच वन में हमने क्या दिया फॉर्म्स दे दिया कि हमें बताना है ना फॉर्म बना रहे हम लोग फिर उसके बाद है फॉर्म टैग सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ओपनिंग एंड फॉर्म क्लोजिंग यहाँ पे देखो फॉर्म ओपन भी हो रहा है एंड वहां पे हमने क्लोज भी कर दिया नेक्स्ट है एंटर योर नेम आपको अपना नाम डालना है नाम कहाँ डालोगे टेक्स्ट एरिया में डालोगे ऑफकोर्स नेम दे ने दिया मैक्स मैक्सलेन मैंने ट्वेंटी दे दिया आप यहाँ चाहे तो वैल्यू भी डाल सकते हो समझ लो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी वैल्यू डाल दी क्या डालोगे नेम डाल देते हैं चलो देखते हैं ये आपको बताएगा कि आपको वहां पे नेम डालना है जेंडर है, जेंडर है है मेल या फीमेल भाई साहब एक ही हो सकता है ना मेल और फीमेल दोनों साथ में तो नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे रेडियो बटन यूज करेंगे ताकि आप सिर्फ एक ही चीज एक ही चीज सेलेक्ट कर सको ओके सो तो हमने क्या किया इनपुट इम्प्रू इक्वल्स टू रेडियो ले लिया एंड नेम दे दिया नेम सेम नहीं है देखो नेम अलग अलग है फिर उसके बाद आई थिंक देकेंड आई एम सो सॉरी एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी आप सभी ने शायद देखा होगा जब हम रेडियो बटन यूज करते हैं ना radios को तो हमारा जो नेम है ना दोनों का वो सेम होना चाहिए यानी कि ये या आपको ये बताता है कि उन दोनों का नाम आप यूज तो सेम ही कर रहे हो ना भले वैल्यूज अलग अलग है वैल्यूज अलग होंगी लेकिन उनका नाम सेम होगा ओके जैसे यहाँ पे देखो मैंने नाम दिया है इन दोनों को टी वन वाला नाम दे दिया है आप कुछ और भी दे सकते हो और मैंने मेल एंड फीमेल बता दिया इसके बाद है इनपुट टाइप टू रेडियो यहाँ पे भी मैंने दोनों का नाम क्या दे दिया है आर वन एंड आर वन दे दिया है ओके okay? यहाँ पे मैंने आपसे आपका इनपुट मांगा है कि भाई आपका योर स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड क्या है आपको वो चीज यहाँ पे बतानी है उसके बाद मैंने लिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे तो कोर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी चेक बॉक्स यूज करूंगी चेक बॉक्स चेक बॉक्स यूज करके इमीडिएटली हमें पता चलेगा कि आप मल्टीपल सिलेक्शन इमीडिएटली हमें क्या समझता है कि आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो आप हिंदी जर्मन बायोलॉजी कुछ भी यूज कर सकते थे राइट फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया एक रिसेट बटन एंड एक सबमिट बटन भी दे दिया है चलो अब एक और इसे एक बार एग्जीक्यूट एक कर लेते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे एक नई चीज इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे अब हम क्या करेंगे इसे हम ओपन करते हैं यहाँ पे देखो हमने वैल्यू क्या डाली थी नेम डाली थी राइट right? तो यहाँ पे अंदर इसके नेम लिख के आ गई इफ यू वांट तो आप इसे एडिट कर सकते हो सॉरी ऑफ कोर्स एडिट करना है मैंने यहाँ पे अदिति लिख दिया है आई एम फीमेल आई एम इन स्टैंडर्ड इलेवन एंड मैं यहाँ पे समझो आई एम आई वॉज फॉर एवरी सब्जेक्ट समझ लो मैंने सारे सब्जेक्ट को ले लिया है तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगी आप यहाँ पे देखो एड्रेस बार देखो अपना सारे डिटेल्स जो जो थे वो सब एड्रेस बार में आ गए क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन नहीं किया था और मेथड डिफाइन अगर नहीं किया है तो क्या आता है बाय डिफॉल्ट गेट वाला आता है गेट क्या कहता है कि आपके जो आपका जो इनपुट है वो पूरा का पूरा एड्रेस में एड्रेस बार में आ जाएगा ओके ये था अब हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं समझ लो आई वॉन्ट कि यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन हो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट आए तो वॉट आई विल डू हम सेलेक्ट लिखते हैं सेलेक्ट लिखने के बाद हम उसे एक नाम दे देंगे समझो आई एम गिविंग इट टू बी एज एस वन अब सेलेक्ट के अंदर हमें अगर ऑप्शंस डालने हैं तो क्या मैं आपसे हाँ यहाँ पे मांग रही हूँ पहले वो लिखना पड़ेगा हमें एग्जैक्टली आई वॉन्ट कि ऐप यहाँ पे लिखो अपना एंटर योर सिटी आपकी जो सिटी है ना आप कहाँ रहते हो बोईसर रहते हो पालघर रहते हो या आप, आप कौन से सिटी में रहते हो पुणे नागपुर कहां रहते हो भाई साहब आप आपको वो लिखना है सो so, हम क्या करेंगे ऑप्शंस लिखेंगे उसके अंदर ऑप्शन ऑप्शन क्लोज करना भी जरूरी है वो भी एक चीज है जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं राइट उसी प्रकार हम हमारे ऑप्शन को भी लिखते हैं ऑप्शन भी एक टाइप ऑफ लिस्ट ही है अब मैं क्या करूंगी ना बार बार लिखने से अच्छा वॉट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी दिस सेक्शन एंड आई विल पेस्ट इंस्टेंट वर्क आई आई जस्ट तीन वॉन्ट आप आपको ऑप्शन दे रही मैं यू कैन लीव इन पुणे यू मे बी ऑफ पुणे इसके बाद यू कैन मे बी ऑफ मुंबई और यू मे बी ऑफ नागपुर समझ लो ओके okay. अब ये लिख दिया अब इसके बाद हमें हमारा को क्लोज करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी क्लोज करनी पड़ेगी ये सारी चीजें हो गई कंट्रोल एस कर दो एंड देखते हैं अब रिफ्रेश करके यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई आप पुणे चाहते हो सॉरी uh, आप मुंबई सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो पुणे चाहते हो पुणे कर सकते हो ओके एंड सबमिट कर सकोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा जो मैंने सबमिट नहीं किया है सॉरी मैंने ऑप्शन उससे फिल नहीं किया था अब देखो यहाँ पे रेडियो बटन का कमाल आप ये सिलेक्ट कर रहे हो इलेवेंथ में और समझो गलती से आप ट्वेल्थ सेलेक्ट करने जा रहे हो तो एलेवेंथ वाला डी सिलेक्ट हो रहा है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा वैसे ही मेल एंड फीमेल है आप ये ही हो सकते हो मेल हो तो मेल को सिलेक्ट करो गलती से फीमेल कर दोगे तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे देखो आप मल्टीपल सेलेक्शन कर सकोगे ओके okay, ये था हमारा फॉर्म्स वाला पार्ट बस आपको फॉर्म में इतना ही है इफ़ यू वांट टू चलो टेक्स्ट एरिया भी लिख देते हैं आई जस्ट वांट यहाँ पे एक ब्रेक मैं टेक्स्ट एरिया एक्सेप्ट करवा रही हूँ आपसे टेक्स्ट एरिया दे दो टेक्स्ट एक्स टेक्स्ट एरिया लिख दो नेम दे दो उसे एक नेम क्या देंगे हम चलो हम देते हैं और टेक्स्ट पी वन दे देते हैं उसके बाद हमारा रोज आई वांट कि आप फाइव uh, रोज लो चलो फाइव रोज वाला ही लेते हैं कॉल्स आई वांट टू बी चलो ट्वेंटी फाइव ले लेते हैं इतनी चीजें हो गई एंड इसके अंदर वी वांट प्लेस होल्डर मैं चाहती हूँ कि वहां पे लिख के आए क्या एंटर योर एड्रेस सॉरी एंटर योर एड्रेस आई वॉन्ट कि वहां पे वो लिख के आए सो वॉट आई विल जस्ट डू मे को यहाँ पे मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा हमारे टेक्सट एरिया को क्लोज भी कर दिया आई एम सो सॉरी टाइप हो रहा है

और क्या करना चाहते हो आप चलो यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको परफॉर्म करनी है और आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है अच्छे से अब फाइनल सबमिट करते हैं हमारे आई एम आदित्य सिंह ऑफ आई एम फीमेल आई एम नॉट इन एलेवेंथ नॉट इन टीचिंग स्टैंडर्ड इलेवेंथ मैं सब्जेक्ट सारे सेलेक्ट कर रही हूँ मैं मेरा एड्रेस सॉरी uh, मेरा स्टेट क्या uh, सिटी यूज कर रही हूँ आई एम फ्रॉम मुंबई आई एम एंट्रिंग एड्रेस टू बी एस चलो कुछ भी डाल देते हैं यार एक्स एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड जेड एंड सबमिट हो गया सबमिट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सबमिट हो गया यानी इमीडिएटली रिसेट करोगे तो डिलीट हो जाएगा सारी चीजें ओके सो so, ये था हमारा सेशन होप आपने ये सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस चैप्टर का दैट इज क्लैंड साइड स्क्रिप्टिंग नथिंग बट जावा स्क्रिप्ट ओके सो स्टे ट्यून विथ मी लेट स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम प्रेजेंटली हम चालू कर चुके हैं अब जावाज स्क्रिप्ट में हम जा रहे हैं ओके okay? सो so कैसे मिलेगा आपको सारी अपडेट्स अफकोर्स गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी सो so सब्सक्राइब करो प्लेलिस्ट में जाओ आपको वीडियोस देखनी है वो देखो लाइक like करो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट हो एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स एंड आपको अगर कोई भी कोर्स सॉल्व चाहिए या फिर उसका प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो वो भी बताओ हम वो भी ट्राई करेंगे ओके थैंक यू सो मच होप यू हैव एन्जॉयड लेट सी यू बाय